नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल सेफ्टी ओशन में। मैं चंदन प्रताप सिंह आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे फैक्ट्री एक्ट 1948 के बारे में। फैक्ट्री एक्ट 1948 क्या होता है, फैक्ट्री एक्ट 1948 में कितने चैप्टर्स हैं और फैक्ट्री एक्ट 1948 के अंतर्गत ऑक्यूपायर को या फिर प्लांट मैनेजमेंट को साथ ही सेफ्टी ऑफिसर को किस प्रकार के कंप्लायंस सुनिश्चित करने होते हैं, इन सभी बातों का जिक्र आज की हमारी टॉपिक फैक्ट्री एक्ट 1948 में की जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक फैक्ट्री एक्ट 1948। फैक्ट्री एक्ट 1948 में तो वैसे 11 चैप्टर्स हैं और इन सभी चैप्टर्स का अगर हम जिक्र करने जाएं तो एक बहुत लंबी वीडियो बनानी पड़ेगी और शायद एक वीडियो में हम इसको पूरा समावेश नहीं कर सकते हैं। इसलिए आज हम सिर्फ फैक्ट्री एक्ट 1948 के चैप्टर 4 जो कि सेफ्टी से जुड़ा हुआ है उस चैप्टर का आज हम जिक्र करेंगे कि उस चैप्टर में कितने सेक्शंस हैं और उस सेक्शन के अंतर्गत एक सेफ्टी ऑफिसर एक सेफ्टी प्रोफेशनल्स को किस प्रकार के कंप्लायंस सुनिश्चित करने होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फैक्ट्री एक्ट 1948 चैप्टर 4 सेफ्टी। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि फैक्ट्री एक्ट 1948 क्या होता है। फैक्ट्री एक्ट 1948 मुख्य रूप से प्लांट संचालन के लिए उसके अप्रूवल लाइसेंस रजिस्ट्रेशन के लिए वर्कर्स की हेल्थ सेफ्टी और वेलफेयर प्रोविजन का जिक्र किया गया है। साथ ही प्लांट के अंदर काम करने के लिए वर्किंग आवर्स क्या होनी चाहिए, इसके अलावा किस प्रकार के वर्कमैन किस प्रकार के एज ग्रुप के लोग प्लांट में काम करेंगे इस बात का जिक्र किया गया है। साथ ही प्लांट के अंदर काम करने वाले लोगों के लिए एनुअल लीव्स का प्रोविजन क्या है और फैक्ट्री के अंतर्गत किसी भी प्रकार का नियम कानून यानी कि रूल्स एंड रेगुलेशंस का वायलेशन किया जाता है ऑक्यूपायर के द्वारा तो उसके लिए पेनल्टी क्या है, इन सभी बातों का जिक्र फैक्ट्री एक्ट 1948 में किया गया है जिसका उपयोग प्लांट संचालन में किया जाता है। सो हाउ मेनी चैप्टर इन फैक्ट्री एक्ट 1948? सो देयर आर 11 चैप्टर इन फैक्ट्री एक्ट 1948। सो दीज आर ऑल दिस 11 चैप्टर विच इज इंक्लूड इन फैक्ट्री एक्ट 1948। इसमें अगर देखा जाए तो इसमें इंस्पेक्टिंग स्टाफ कैसे होने चाहिए, वर्कर की हेल्थ के लिए क्या प्रोविजन है, वर्कर्स की सेफ्टी के लिए क्या प्रोविजन है, जो भी हजार्डस प्रोसेस है उसके लिए क्या प्रोविजन दिए गए हैं, जो एम्प्लॉई एंड वर्कमैन काम करते हैं उनके लिए वेलफेयर फैसिलिटीज क्या है, उनकी वर्किंग आवर्स क्या है, साथ ही किस एज ग्रुप के लोग प्लांट में काम कर सकते हैं, प्लांट में लोगों को काम करने के लिए कितने एनुअल लीव्स मिलते हैं और उनका वेजेस कितना होता है, साथ ही अलग कोई प्रोविजन है जैसे कि स्पेशल प्रोविजन है ऐसा कुछ। इसके अलावा पेनल्टी एंड प्रोसीजर्स में जो जिक्र किया गया है वो है ये है कि प्लांट में फैक्ट्री एक्ट 1948 के जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन एंड अदर जो एक्ट हैं उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस का कोई भी वायलेशन अगर किया जाता है ऑक्यूपायर के द्वारा प्लांट मैनेजमेंट के द्वारा तो उसके लिए क्या प्रोसीजर्स हैं। आज हम बात करेंगे कि फैक्ट्री एक्ट 1948 में एक सेफ्टी प्रोफेशनल्स को किन बातों का ध्यान रखना होता है या फिर किस प्रकार की जो है कंप्लायंस की मॉनिटरिंग एक सेफ्टी प्रोफेशनल को करनी होती है। तो उनके लिए जो चैप्टर है वो है चैप्टर 4। सो आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 4 के बारे में जो कि है सेफ्टी से जुड़ा हुआ। एक्ट 1948 के चैप्टर 4 सेफ्टी में 24 सेक्शंस का जिक्र किया गया है जिसका कंप्लायंस सुनिश्चित करना एक सेफ्टी ऑफिसर या फिर सेफ्टी प्रोफेशनल की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो चलिए जानते हैं कि चैप्टर 4 में किस सेक्शन में किस प्रकार की बातों का जिक्र किया गया है। तो सेक्शन 21 जिसमें कि फेंसिंग ऑफ मशीनरी का जिक्र किया गया है। सेक्शन 22 में हैं जो कि मोशन में रहती हैं रनिंग इक्विपमेंट के आसपास काम करने का जिक्र किया गया है। सेक्शन 23 में यंग पर्सन्स जो कि डेंजरस मशीन में काम करते हैं उनके एम्प्लॉयमेंट के बारे में जिक्र किया गया है। सेक्शन 24 में स्ट्रिकिंग गियर एंड डिवाइसेस के जिक्र किया गया है। साथ ही सेक्शन 25 में सेल्फ एक्टिंग मशीन्स का जिक्र किया गया है। सेक्शन 26 में केसिंग ऑफ न्यू मशीनरीज का जिक्र किया गया है। सेक्शन 27 में वोमेन एंड चिल्ड्रेन के लिए प्रोविजन का जिक्र किया गया है कि वोमेन एंड चिल्ड्रेन जो है किस प्लांट में किसे मशीन के ऊपर काम नहीं कर सकते उसका जिक्र किया गया है सेक्शन 27 में। 28 में होस्ट एंड लिफ्ट का जिक्र किया गया है। 29 में लिफ्टिंग मशीन एंड लिफ्टिंग टूल्स टैकल्स का जिक्र किया गया है। सेक्शन 30 में रिवॉल्विंग मशीनरीज का जिक्र किया गया है।
सेक्शन 31 में प्रेशर वेसल्स या फिर प्रेशर प्लांट का जिक्र किया गया है। 32 में फ्लोर स्टेयर्स और मींस ऑफ एक्सेस कैसे होने चाहिए उन बातों का जिक्र किया गया है। सेक्शन 33 में जो भी पिट्स होते हैं, सम्स होते हैं, ओपनिंग्स होते हैं फ्लोर में, उसका जिक्र किया गया है। साथ ही सेक्शन 34 में एक्सेसिव वेट का जिक्र किया गया है। सेक्शन 35 में आई प्रोटेक्शन के बारे में जिक्र किया गया है। सेक्शन 36 में प्रिकॉशन अगेंस्ट डेंजरस फ्यूम्स गैस ETC का जिक्र किया गया है। सेक्शन 36A में प्रिकॉशन रिगार्डिंग द यूज ऑफ पोर्टेबल इलेक्ट्रिक लाइट, इट मीन्स कन्फाइन स्पेस में काम करने के लिए सेक्शन 36 और सेक्शन 36A का जिक्र किया गया है। ये लागू होते हैं कन्फाइन स्पेस में जब हमें काम करना होता है। सेक्शन 37 में एक्सप्लोसिव और इनफ्लेमेबल डस्ट एंड गैसेस का जिक्र किया गया है। सेक्शन 38 में प्रिकॉशन इन केस ऑफ फायर का जिक्र किया गया है। सेक्शन 39 में पावर टू रिक्वायर स्पेसिफिकेशन ऑफ डिफेक्टिव पार्ट्स और टेस्ट ऑफ स्टेबिलिटी का जिक्र किया गया है। सेक्शन 40 में सेफ्टी ऑफ बिल्डिंग्स एंड मशीनरीज का जिक्र किया गया है। सेक्शन 40A में मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग का जिक्र किया गया है। सेक्शन 40B में सेफ्टी ऑफिसर और साथ ही सेक्शन 40B के अंतर्गत सेफ्टी ऑफिसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है उसका जिक्र किया गया है। एंड लास्ट सेक्शन 41, इसमें जो है पावर टू मेक रूल्स टू सप्लीमेंट दिस चैप्टर का जिक्र किया गया है। आइए इसके अलावा जानते हैं कि प्लांट संचालन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या होती है। तो अंडर सेक्शन 6 में किस बात का ध्यान रखा गया है, उसमें है जो लेटेस्ट फैक्ट्री प्लान अप्रूव्ड बाय फैक्ट्री इंस्पेक्टर एज ए सेफ्टी प्रोफेशनल, आपको इस बात का ज्ञात होना चाहिए कि प्लांट की जो एरिया है, जो प्लांट का बिल्डिंग्स है, उसका एक प्लान अप्रूवल होता है जो कि डिस के द्वारा किया जाता है, यानी डायरेक्टर ऑफ इंडस्ट्रियल सेफ्टी एंड हेल्थ के द्वारा आपको एक अप्रूव प्लान दिया जाता है। वो प्लान आपके पास लेटेस्ट प्लान अप्रूव होना चाहिए अंडर सेक्शन 6 के अंतर्गत। इसके अलावा सर्टिफिकेट ऑफ स्टेबिलिटी, यानी कि प्लांट के जितनी भी बिल्डिंग्स हैं और उनका जो स्ट्रक्चर है उसका स्टेबिलिटी टेस्ट आपको एवरी 5 ईयर्स में डिस अप्रूव्ड कॉम्पिटेंट पर्सन के द्वारा किया जाता है, उसका रिकॉर्ड आपके प्लांट के अंतर्गत होना चाहिए। साथ ही लाइसेंस ऑफ फैक्ट्री का लाइसेंस भी होना चाहिए। तो ये सारी बातें सेक्शन 6 के अंतर्गत आती हैं, जिसका अनुपालन और इसके अनुपालन की स्थिति एक सेफ्टी ऑफिसर, एक सेफ्टी प्रोफेशनल की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इसका मॉनिटरिंग करने के लिए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की हमारी टॉपिक फैक्ट्री एक्ट 1948 आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करना ना भूलें, साथ ही साथ हमारे चैनल सेफ्टी ओशन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे कि हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।